हिमाचल प्रदेश में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज छात्र संगठन एनएसयूआई ने अग्निपथ योजना के विरोध में रोष रैली निकाली। रैली के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डीसी सिरमौर के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस योजना को रद्द करने की मांग की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। मीडिया से बात करते हुए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष विपुल शर्मा ने बताया कि अग्निपथ योजना देश युवा विरोधी है और आने वाले समय में इसी योजना के घातक परिणाम सामने आएंगे। आगे सुनिए और क्या कुछ कहना था जिला अध्यक्ष एनएसयूआई विपुल शर्मा का। के साथ सरासर एक धोखा है केंद्र सरकार की यह नीति, जिसमें युवाओं को सिर्फ केवल 4 सालों के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्हें जो सुविधाएं अभी सेना में जवान को दी जाती है उन्हें वो सभी सुविधाएं नहीं मिलेगी। आखिर ऐसी क्या नौबत आई है कि सरकार को ऐसी ऐसी युवा विरोधी योजनाओं को आज लाना पड़ रहा है। इससे पहले लगभग 3 वर्ष पहले जो सेना की भर्ती हुई थी, आप सभी भी जानते हैं कि उस सेना भर्ती का शारीरिक परीक्षा भी हुई, उसके बाद लिखित परीक्षा भी हुई। हमारे नौजवान साथी पूरे देश भर से सालों से सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। सुबह 4 बजे उठकर मैदान में हमारा युवा साथी सेना की भर्ती करने जाता है, उसके बाद दिन भर वो लिखित परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन सब कुछ प्रतिक्रिया होने के बाद 3 वर्ष बाद केंद्र सरकार द्वारा उस भर्ती को रद्द किया जाता है, जिसकी शारीरिक और लिखित परीक्षा भी हो गई थी। युवा इंतजार में था कि रिजल्ट आएगा और हम सेना में भर्ती हो गए, देश के लिए काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये भर्ती रद्द की है और एक नई योजना अग्निपथ योजना लाई है, ये एक देश विरोधी और युवा विरोधी योजना है जो आने वाले समय में इस देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और देश की जो सुरक्षा है उस पर भी बहुत बड़ा नुकसान इस योजना का होगा। तो आज हमारा जिला सिरमौर एनएसयूआई की ओर से जिला मुख्यालय को जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ये जो योजना है अग्निपथ योजना, इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में एनएसयूआई और जो हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी हमारे संगठन है, मिलकर हम देश विरोधी जो ये योजना है इसका बहुत जोरदार तरीके से विरोध भी करेंगे। और आप सभी देख रहे हैं कितना उबाल आज देश के युवाओं में है, लेकिन युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर कोई शांति प्रिय तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमे किए जा रहे हैं, उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन पे झूठे केस बनाए जा रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा के रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 8211-98-00003 या 8211-98-00004।